तो यार अभी हम लोग देखने वाले हैं ट्रायंगल ऑफ नेक। तो एक बार मैं ट्रायंगल ऑफ नेक, ये थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, पर इसमें मैं ऑलमोस्ट हर चीज़ बता दूंगा। तो 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, पर उसमें मैं ऑलमोस्ट हर चीज़ बता दूंगा। तो जैसे अपन इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं, थोड़ा सा तो ट्रायंगल बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बोला था, यहाँ पे कौन सा बोन होता है, हायोइड बोन, और ये अपना मैंडिबल हो गया, और यहाँ पे अपना होता है, यहाँ पे अपना होता है स्टर्नम, ये अपना यहाँ पे स्टर्नम, और ये हायोइड बोन, और ये क्या होती है अपनी मिड लाइन, ये मिड लाइन, और यहाँ पे होता है मस्टॉइड प्रोसेस, और यहाँ पे होता है सुपीरियर नकल लाइन। अब मैंने बताया यहाँ पे होता है क्लविकल, और यहाँ पे थोड़ा स्कैपुला होता है यहाँ पे। तो यहाँ से एक मसल यहाँ पे अटैच होती है, थोड़ा क्लविकल थोड़ा सा स्टर्नम में लगती है, और एक मसल यहाँ पे अटैच होती है। तो ये कौन सी है, स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल, और ये कौन सी मसल होती है, ये होती है अपनी ट्रेपीजियस मसल। अब इसके बाद मैंने बताया था कि एक होती है डायगेस्टिक मसल, डायगेस्टिक ये कहाँ पे लगती है, एक यहाँ पे लगती है, यहाँ पे ओमो हायोइड बोन में, और एक लगती है यहाँ पे। तो ये है एंटीरियर बेली ऑफ डायगेस्टिक, ये है पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्टिक, और एक हायोइड बोन है। हायोइड बोन से बेसिकली इसके दो पार्ट होते हैं, एक एक होता है इसका सुपीरियर बेली, और एक इसका होता है क्या, इन्फीरियर बेली। तो सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड बोन, और इन्फीरियर बेली सुपीरियर बेली ओमोहाइड, और ये इन्फीरियर बेली ओमोहाइड। अब यहाँ पे क्या होता है, अब सबसे पहले ये वाला कौन सा है, सब मेंटल ट्रायंगल, ये कौन सा है डायगेस्टिक, ये कौन सा है अपना कैरोटिड ट्रायंगल, और ये है मस्कुलर ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल बन रहा है कौन सा ट्रायंगल है, मस्कुलर ट्रायंगल है वो, ये हो गया, ये अपने को ध्यान रखने का है। उसके बाद ये वाला अपना कौन सा होता है, ये वाला ट्रायंगल कौन सा अपना पोस्टीरियर ट्रायंगल है, ये कौन सा ट्रायंगल है, ये अपना ट्रायंगल होता है अपना ओसिपिटल ट्रायंगल, और ये कौन सा ट्रायंगल, ये अपना होता है सुप्रा क्लेविकुलर, क्योंकि क्लेविकल के ऊपर है। तो हम लोग इसको देखते हैं, सबसे पहले दिस इज द सब मेंटल ट्रायंगल, क्योंकि मेंटल के नीचे है। दिस इज डायगेस्टिक ट्रायंगल, दिस इज कैरोटिड ट्रायंगल, एंड दिस इज मस्कुलर ट्रायंगल। तो ये एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में चार ट्रायंगल आ गए, पोस्टीरियर में एक तो ऑसिपिटल ट्रायंगल हो गया, दिस ट्रायंगल इज द ऑसिपिटल ट्रायंगल, और दिस इज और ए वाला ट्रायंगल जो बना अपना, ए वाला ट्रायंगल जो मैंने बताया था, ए वाला कौन सा ट्रायंगल है, ए दिस ए वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कौन सा है अपना सुप्रा क्लेविकुलर, क्योंकि क्लेविकल के ऊपर है। तो दो अपना पोस्टीरियर ट्रायंगल अपने नेक हो गए, ये हो गया। तो होप इतना समझा होगा। उसके बाद मैं सबसे पहले बात करूँ कि एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक की बाउंड्री कौन कौन बना रहा है। तो एक तो मिड लाइन बना रहा है, एंटीरियर ट्रायंगल की बाउंड्री मिड लाइन बना रहा है, और कौन इसकी बना रहा है, एक है स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल बना रहा है, और एक है लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल। तो इसकी बाउंड्री तीन चीज़ें बना रही है एंटीरियर ट्रायंगल की, स्टर्नोक्लेडो, और ए अपना कौन सा हो गया, ए अपना हो गया मिड लाइन, और ए वाला कौन सा हो गया अपना मैंडिबल का लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल। तो ये तो आसान था। देन इसके बाद हम लोग आगे जाते हैं, अभी हम लोग आगे मूव करते हैं, तो वो भी समझ गया होगा। तो अभी हम लोग देखते हैं पोस्टीरियर ट्रायंगल। तो पोस्टीरियर ट्रायंगल में सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपना सब क्लेवियन या फिर सुप्रा क्लेविकुलर ट्रायंगल भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसके कंटेन में हम लोग देखते हैं, तो इसके कंटेन में कैसा होता है, सब जितने भी ट्रायंगल है ना, सब में हम लोग इधर पे देखते हैं, इधर कंटेन होता है, इधर इसका क्या होता है, इसका रूफ होता है, और ये इसका फ्लोर है। तो दिस इज़ कंटेन, दिस इज़ का फ्लोर, और ये इसका क्या हो गया रूफ। तो रूफ कौन बनाएगा, स्किन, सुपरफिशियल फिशिया, और डीप फिशिया। डीप को ही हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फिशिया, डीप को हम लोग बोलते हैं। तो स्किन सुपरफिशियल फिशिया, और कौन सा हो गया अपना डीप फिशिया। अब कंटेन में हम लोग देखते हैं, कंटेन में सब सुप्राक्लेविकल में कौन सा कंटेन होता है, तो एक तो होता है इसमें बहुत ही आसान, एक सब क्लेवियन वेन और ब्रेकियल प्लेक्सिस, ये तीन है। तो बहुत ही आसान है, सब क्लेवियन आर्टरी, सब क्लेवियन वेन और ब्रेकियल प्लेक्सिस, और एक इसमें होता है स्पाइनल असेसरी नर्व। याद रखना, जो स्पाइनल असेसरी नर्व वो किसको सप्लाई करता है, स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल को, और किसको सप्लाई करता है, ट्रेपीजियस को, ये ध्यान रखने अपने को। तो ये कंटेन में हो गया। उसके बाद हम लोग फ्लोर, अब फ्लोर इसकी चार मसल बनाती है, जो पोस्टीरियर ट्रायंगल में आता है, तो पोस्टीरियर कैरोटिड में भी यही चार मसल बनाएंगी। एक होता है सेमी स्पाइनलिस कैपिटिस, और इसको नाम लिख देता हूँ, इसको फ्लोर कौन बनाएगा, एक बनाएगा सेमी स्पिनलिस, दूसरा होता है स्प्लेनियस
तीसरा होता है लिवेटर स्कैपुलाए, चौथा होता है स्क्लेनियस मीडियस। तो ये चार मसल जो है सेमी स्पाइनलिस, लिवेटर स्कैपुलाए और स्क्लेनियस मीडियस और स्प्लेनियस कैपिटिस, ये चार मसल बनाती है इसके फ्लोर। अब मैंने रूप के बारे में तो बता दिया, रूप कौन है, स्किन, सुपरफिशियल फिशिया और डीप फिशिया। अब जो सुपरफिशियल स्किन तो हो गया, सुपरफिशियल में क्या क्या होता है, यहाँ पे कुछ होती है नर्व और कुछ यहाँ पे होती है वेन, कुछ आर्टरी और वेन्स होती हैं यहाँ पे सुपरफिशियल में, ये अपने को ध्यान रखने का है। तो सुपरफिशियल में क्या क्या होता है, कुछ वेन होता है, कुछ आर्टरी। नर्व में, नर्व सबसे पहले सुपरफिशियल का जो हम लोग देखते हैं, सुपरफिशियल फेसिया में सबसे पहले जो नर्व होती है कौन सी होती है, यहाँ पे पांच चार नर्व है। ये कौन सा है, लेसर ऑसिपिटल नर्व, ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, लेसर ऑसिपिटल नर्व, ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, और कौन सा है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व, और है सुप्रा क्लेविकुलर नर्व। तो ये चार नर्व है, कौन कौन सी, लेसर ऑसिपिटल नर्व, ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व और सुप्रा क्लेविकुलर नर्व। तो इसको अपन याद कर सकते हैं, इसको कैसे याद करना है, जैसे भी याद करना है कर लेने का। तो ये अपन ने इसके कंटेन हो गया सुपरफिशियल फेसिया में, नर्व हो गया, और वेन कौन सी होती है, वेन होती है एक्सटर्नल जुगलार वेन। तो ये आसान है, तो इसके नर्व कौन से हो गए मैंने बता दिया अभी, लिसर ऑसिपिटल नर्व, ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व और ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व और सुप्रा क्लेविकुलर नर्व। ये हो गया, देखो क्लविकल है तो एक नर्व याद रखना सुप्रा क्लविकुलर, हाँ तो एक तो ऐसा कंटेन याद हो गया, और वेन में तो याद रखना कौन सा है, एक्सटर्नल जुगलार वेन। तो दिस इज ऑल अबाउट दी सुप्रा क्लविकुलर ट्रायंगल। अब हम लोग देखते हैं डायगेस्टिक ट्रायंगल, जो कि क्या कौन सा है, अपना एंटीरियर ट्रायंगल है। तो डायगेस्टिक ट्रायंगल हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, तो इसको हम लोग थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं, एक सेकेंड मेरा स्क्रीन चालू, हाँ इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये मैंडिबल हो गया, सबसे पहले थोड़ा मैंडिबल बनाते हैं, और यहाँ पे मैंने ये यहाँ पे मैगजिला और ये दांत लगा दिया, मैगजिला है और ये मैंडिबल है, इसका कोरेनॉइड और कोंडाइलर प्रोसेस है। अब यहाँ पे मैं बना देता हूँ टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट, और एक यहाँ पे मैं लगा देता हूँ स्टेरॉइड प्रोसेस, ये कौन सा, अपना स्टेरॉइड प्रोसेस है और ये मस्टॉइड प्रोसेस, दिस इज द मस्टॉइड प्रोसेस, ये मस्टॉइड प्रोसेस है और ये थोड़ा सा क्या है अपना स्टेरॉइड प्रोसेस। और यहाँ पे मैं हायोइड बोन टांग देता हूँ, तो यहाँ से हम लोग को पता है सबसे पहले कौन सा मसल है, एंटीरियर बेली ऑफ डायगेस्टिक, ये है पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्टिक, और एक स्टेरॉइड मसल यहाँ पे वो लगती है, ये भी अपने को ध्यान रखना है, स्टेरॉइड मसल लगते हैं। अब सीन से स्टेरॉइड प्रोसेस से लगती है कहाँ पे, हायोइड बोन में, इसको ना क्या नाम है, स्टाइलो हायोइड मसल, और ये एंटीरियर बेली ऑफ डायगेस्टिक और ये पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्टिक, और ये पूरा ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल बन गया है, ये ट्रायंगल कौन सा बन गया अपना डायगेस्टिक ट्रायंगल, दिस इज डायगेस्टिक ट्रायंगल। उसके बाद हम लोग इसका रूफ हम लोग सबसे पहले रूफ होगा, कंटेन होगा और फ्लोर होगा। तो रूफ हम लोग में आसान है, स्किन होगा, स्किन सुपरफिशियल फेसिया और क्या होगा, डीप फेसिया, स्किन सुपरफिशियल फेसिया और डीप फेसिया, ये अपने को ध्यान रखने का है। अब कंटेन, तो कंटेन में इसमें कौन कौन सा कंटेन है, तो होता है इसमें सब मैंडिबुलर ग्लैंड, इसके बाद सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है, उसके बाद हाइपोग्लोसल नर्व होगा इसमें, और एक इसमें फेसियल आर्टरी और फेसियल वेन होगा, और एक होता है अपना पैरोटिड सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड। तो याद रखने का कौन कौन सा होता है, तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड होगा, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड होगा, हाइपोग्लोसल नर्व, कौन सा हाइपोग्लोसल नर्व, कौन सा है, 12th क्रैनियल नर्व होता है ये हाइपोग्लोसल नर्व, उसके बाद फेसियल आर्टरी एंड फेसियल वेन होगा, ये अपने को ध्यान रखने का है, ये अपने को ध्यान रखने का है। देन इसके बाद अपन आगे देखते हैं इसके इसका रूफ हो गया, फ्लोर कौन बनाता है, फ्लोर मसल बनाएंगे तो कौन कौन सा मसल है, तो एक तो होता है ओरोफेरिंग्स कौन सा मसल होता है, जो ओरल कैविटी के पीछे होता है, तो ओरोफेरिंग्स, और एक होता है माइलोहायोइड मसल और हाइपोग्लोसल मसल, ये हो गया। तो ओरोफेरिंग्स, माइलोहायोइड मसल और हाइपोग्लोसस मसल, ये हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट दी डायगेस्टिक ट्रायंगल। अब हम लोग देखते हैं अपना कैरोटिड ट्रायंगल, तो ये भी बहुत ही आसान है, कैरोटिड ट्रायंगल ऑफ नेक। तो कैरोटिड ट्रायंगल ऑफ नेक हम लोग सबसे पहले बनाने की कोशिश करते हैं, तो कैरोटिड ट्रायंगल ऑफ नेक अगर जैसे मैं बनाने की कोशिश करूँ, तो सबसे पहले मैं सपोज ये बना दिया मैंने, ये मैंडिबल मैंने बना दिया, बहुत ही आसानी से अपन बना देंगे इसको, ये हायोइड बन बना दिया मैंने, ये हायोइड बन यहाँ से मैंने स्टर्नम यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे स्टर्नम लगा दिया, ये यहाँ पे क्लेविकल लगा दिया, यहाँ पे स्कैपुला लगा दिया, और यहाँ पे मैंने ये यहाँ पे एक मसल अटैच होगी, एक मसल यहाँ पे जाके अटैच होगी। अब मैंने बताया था कैरोटिड ट्रायंगल कौन सा होता है अपना,
एक करोटी, ये तो अपना ऑक्सीपिटल ट्रायंगल, अभी करोटी ट्रायंगल एक यहाँ पे मैंने बना दिया, और ये मिड लाइन मैंने बना दिया, और मिड लाइन से मैंने ये डायगेस्टिक ट्रायंगल बना दिया, डायगेस्टिक ट्रायंगल बना दिया, और ये सुपीरियर और इन्फीरियर बेली लगा दिया। तो ये कौन सा अपना है, ये सब मेंटल ट्रायंगल, डायगेस्टिक ट्रायंगल, दिस इज द करोटी ट्रायंगल, दिस इज द व्हाट, दिस इज करोटी ट्रायंगल। अब कैरोटिड ट्रायंगल मैंने बना दिया, तो कैरोटिड ट्रायंगल की बाउंड्री अगर देखे कौन कौन सा बना रहा है, ये कौन बना रहा है, पोस्टीरियर बेली अब डायगेस्टिक बना रही है, और एक स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड मसल बना रहा है, और एक ये कौन बना रहा है, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड मसल, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड मसल इसकी बाउंड्री बना रही है, और एक पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्टिक, और एक कौन सा इसका बना रहा है, एक बना रहा है इसका ए वाला, क्या बोलते हैं, स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड मसल। तो इसकी बाउंड्री तीन मसल बना रही, दो मसल बना रही, तीन मसल, एक ए और एक ए इसकी बाउंड्री। तो एक कैरोटिड ट्रायंगल हो गया अपना। अब हम लोग आगे देखते हैं इसके इसके रूप, तो रूप में सेम स्किन, सुपरफिशियल फेसिया एंड डीप फेसिया। अब उसके बाद हम लोग कंटेंट, तो कंटेंट इसका इंपॉर्टेंट है, कैरोटिड ट्रायंगल का कंटेंट जो होता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है इसका कंटेंट। तो कंटेंट में सबसे पहले क्या आता है इसमें, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और उसके बाद एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है यही ब्रांच देती है इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जाके आगे बनती है, तो तीनों आ जाएंगे। उसके बाद इसमें वेगास नर होता है, वेगास नर, टेंथ क्रैनियल नर, और वेन में इंटरनल जुगलार वेन होता है इसमें, और उसके बाद होता है अंसा सर्वाइकल, एक एक अंसा सर्वाइकल नर होता है, ये अपने को ध्यान रखने का है, ये अपने को ध्यान रखने का। तो कौन कौन सा आ गया, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, वेगास नर, इंटरनल जुगलार वेन, और अंसा सर्वाइकल नर, ये हो गया। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद मैं बताऊँ इसमें फ्लोर, ये तो कंटेन हो गया, रूप रूप हो गया आपका, अब इसका फ्लोर, फ्लोर इसका हमेशा मसल ही बनाएंगे, तो मसल कौन कौन सी है, एक होती है, एक होती है अपना एक होता है इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, और एक होता है थायरोइड, थायरोहायोइड मसल, थायरोहायोइड मसल, थायरोहायोइड मसल का मतलब थायरोइड से, थायरोइड कार्टिलेज से कहाँ लगी है, हायोइड बोन पे, तो थायरोहायोइड मसल होगा। और एक होगा इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल हम लोग किसको बोलते हैं, लरिंजो, लरिंजो जो लरिंग, लरिंग्स और फरिंग से लगता है, लरिंजो फरिंग्स, तो लरिंजो फरिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। तो जैसे अगर मैं फरिंग्स बताऊँ, बहुत ही आसान है, जैसे मैं फरिंग्स बनाऊँ, एक सेकंड, अगर मैं फरिंग्स बनाऊँ तो एक दो तीन फरिंग्स होते हैं, ओरो फरिंग्स, नेजो फरिंग्स और लरिंजो फरिंग्स, इसको सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर बोलते हैं, इनको इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर बोलते हैं, इसको इसको मीडियल कॉन्स्ट्रिक्टर, इसको इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल बोलते हैं। तो ये जो यहाँ पे जो मसल्स होती है लरिंजो फरिंग्स, उसको इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल सही है, ये हो गया। लरिंजो फरिंग्स मतलब क्या, जो लरिंग्स के पीछे रहेगा, जस्ट इधर लरिंग्स लगा दो और इसके पीछे, और नेजल ओरल कैविटी मतलब यहाँ पे ओरल कैविटी आएगी, यहाँ पे ओरो फरिंग, और यहाँ पे नेजल कैविटी आएगी, और यहाँ पे क्या आएगा, नेजो फरिंग्स, ये अपने को ध्यान रखने का है। तो ये इसके मसल्स हो गए। अब उसके बाद यहाँ पे ये हो गया, उसके बाद नर्व, इसमें कौन कौन सी नर्व आती है, तो इसमें टेन, अब इसमें नर्व तो मैंने बता दिया, वेगास नर्व है, तो अभी अपने क्या क्या पढ़ा है ध्यान देखते हैं। जैसे क्रैनियल नर्व, क्रैनियल नर्व टेंथ, एक इसमें किसका कंटेंट था, कैरोटिड ट्रायंगल का, कैरोटिड का। उसके बाद मैंने बताया था अभी, एक मैंने पढ़ा था, ये हम लोग ने पढ़ा था डायगेस्टिक, डायगेस्टिक में क्रैनियल नर्व अपनी कौन सी आती है, 13 हाइपोग्लॉसल नर्व 13, और क्रैनियल नर्व 11 मतलब स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, हम लोग ने पढ़ा था पोस्टीरियर वाले में। तो कंटेंट ऑफ ऑसिपिटल नर्व, ऑसिपिटल ट्रायंगल, कंटेंट ऑफ ऑसिपिट ट्रायंगल, ऑसिपिट ट्रायंगल, ये अपने को ध्यान रखने का है। तो ऑसिपिट ट्रायंगल भी मैंने ऑलमोस्ट साल से बता दिया है। डायगेस्टिक हो गया अपना, उसके बाद अपना कैरोटिड ट्रायंगल हो गया, देन पोस्टीरियर ट्रायंगल मतलब सब क्लेविन बता दिया, और मैंने बता दिया स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व किसमें होती है, ऑसिपिटल ट्रायंगल में, इस ऑसिपिटल ट्रायंगल में, ये अपने ये मैंने बता दिया, ये हो गया पोस्टीरियर ट्रायंगल में आएगा ये। तो टेंथ क्रैनियल नर्व किसमें आएगा, कैरोटिड ट्रायंगल में, उसके बाद इलेवंथ किसमें आएगा, इलेवंथ आएगा अपना स्पाइनल एक्सेसरी में। उसके बाद थर्टीन क्रैनियल नर्व किसमें आएगा, थर्टी क्रैनियल नर्व किसमें आएगा, ये डायगेस्टिक ट्रायंगल में, जो कि हाइपोग्लॉसल का था। तो ये कंटेन अपने को नर्व याद रखने का, नर्व एटलीस्ट याद रखने का अपने को, ये हो गया। तो ये हो गया, उसके बाद ऑलमोस्ट मैंने सब इसमें बता दिया है, और मस्कुलर ट्रायंगल ऑफ नेक में उतना हाई नहीं, तो उसको मैं लेके नहीं जा रहा हूँ इतना डीप। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रायंगल ऑफ नेक, तो ये देख लेना एक बारी।